दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है ये ऊपर आया हूँ तो ये चेक करें ज़रा, पकोया थाई और वो हीरा, ये कहीं आपस में लड़ पड़े हैं बहुत ज़्यादा और इनकी हालत आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत हुई हुई है। बल्कि वो छोटे वाला हीरा का काट में तो छोटा है पर उम्र में उस इस पट्ठे से बहुत बड़ा है। पहले ये पट्ठा डरता था इससे, पर अब जो है ना ये इतना लड़े हैं और बुरी हालत हो गई है इनकी। कहीं ये यहाँ से खुला है और इस सुराख से अंदर चला गया। अंदर ये मैंने देखा तो उल्टा पड़ा हुआ था, तो वो तो शुक्र है पहुँच गया, तो ये नहीं तो उल्टा 15-20 मिनट और रहता है, इसने मर जाना था। बाकी इनको मैंने अभी जो है टैबलेट दे दी है, पेनाडोल की और न्यूरोफोर्ट एक टैबलेट है जो कि पट्ठों के दर्द के लिए होती है, तो ये दोनों इनको मैंने खिला दिए हैं आधी आधी, ठीक है? क्योंकि दो टैबलेट्स थी और दोनों खिला देता बहुत ज़्यादा होती। बाकी ये चेक करें ज़रा, इसके आज बाल सारे ट्रिम कर दिए, काट दिए, कानों के बाल छोड़ दिए, इसकी हालत चेक करें। ये तकरीबन 1.5-2 महीने बाद जो है ना फिर बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप देखें ज़रा इसको, ये खुजली शुजली कर रहा है, बहुत बुरी हालत हुई थी, बाल ऐसे गुंजल मुंजल हुए हुए थे। कानों के मैंने बड़े छोड़े, बाकी सारे मैंने काट दिए। मैंने कानों के भी काट दूंगा तो फिर समझ क्या आएगी कि चीज़ क्या है ये इसके कुछ बाल बड़े, ये खरगोशनी है, इसके नहीं काटे हैं क्योंकि ये अभी अनकरीब बच्चे देगी तो अपने बाल तोड़ के रखेगी ये। इसको भी आज 2-3 दिन बाद मैंने नीचे उतारा है, वहाँ पे कड़ूक मुर्गी बैठी है, उसके पीछे पड़ जाता है और भगा भगा के सारे मुर्गे शोर करने लग जाते हैं। तो माशाल्लाह चीज़ बहुत प्यारी है, बस गर्दन से इसके जो बाल टूट गए हैं ना, शो इसकी ख़त्म करते हैं खूबसूरती। खैर अल्लाह करेगा फिर निकल आएंगे। खाली अब चीज़ चेक करें खूबसूरती, बंगतर, बनावट इसकी। बाकी ये पेयर भी माशाल्लाह मादी बहुत प्यारी बन रही है आपके सामने, दाना इनका भी ख़त्म होने लगा है अनकरीब, तो बहुत अच्छा इन्होंने दाना चलाया। पर इस तरह मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए क्योंकि ये फिर देख देख के वो अक जाना या एक देख देख के दाने को उकता जाना, ये फिर खाते ही नहीं हैं, इनके पोटे खाली ही रहते हैं, इस तरह ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये बेहतर है कि रोज़ सुबह थोड़ा थोड़ा डाल दिया। ये सेंटिनेंट का एक बच्चा बीमार हो गया था तकरीबन, बहुत ज़्यादा खा पी नहीं रहा था, पीछे भी इसके जो है ना काफ़ी बिठें लगी हुई थी, तो वो मैंने शापर से सारी खींच के उतार दी हैं बिठें ताकि इसको तकलीफ़ ना हो। और दूसरा इसको मैंने अभी आटा घोल के सिरिंज के ज़रिए पिला दिया, और वो वाला माशाल्लाह ये बहुत कमज़ोर था और ये ख़ुद खाने पीने लग गया अब और बहुत अच्छा खा पी रहा है अब। ताज़ी ये है कि इनका भी बच्चा माशाल्लाह ठीक चल रहा है प्रिल बैग का, और सेंटिनेंट ने दोबारा जो है बच्चे निकाल दिए इनके, मैं आपको दिखाता हूँ, वो चेक करें। ये मादी फिर आके बैठ गई है दस्ती, और ये नर बैठा हुआ है अंडों पे ब्लैक टेल के ऊपर, भी मैंने डाल दिया है अमेरिकन फैंटेल का अंडा इसके नीचे रखा हुआ है। इस अमेरिकन फैंटेल ने दूसरा अंडा नहीं दिया अभी तक, ये पता नहीं क्यों नहीं दिया, ताकि ये भी मैं उसके नीचे रख दूँ, शायद एक ही अंडा दिया है इसने, पर बहुत बड़ा अंडा था वो, पता नहीं फर्टाइल भी है कि नहीं। तो ये सिल्की मादी के नीचे से भी ये दो चूज़े कल निकल आए थे, और दो चूज़े जो है अभी मज़ीद अंडे उनके दो तीन दिन बाद रखे थे तो वो बाद में निकलेंगे, पर मैं ये उठा के इधर इनके साथ मैंने रख दिया ताकि इन्हीं के साथ पलें बढ़ें, जो भी है मादी उठ ना जाए वो सिल्की।